हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? क्या मेरी वॉइस आप सभी के लिए क्लियर है, ऑडिबल है? अगर है तो यस यस कर देंगे सभी, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे. ओके. बताएंगे जरा. ओके रुचि. हाँ जी, चलिए. आप सभी के सामने जो है वो एक डेफिनेशन है, ठीक है? इट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड टू इंडिकेट टाइम, सम टाइम, द कंटिन्यूएशन और कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन इन द रिलेशन टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ठीक. क्या है? सबसे पहले तो हमें अपने माइक जो है वो म्यूट रखेंगे. जब भी आप क्लास में आते हैं, आपके सबके माइक जो है वो म्यूट होने चाहिए. जो भी स्टूडेंट है, सबसे पहले अपने माइक्स को देखा करो जब भी आप क्लास को ज्वाइन कर रहे हो, उसके बाद आगे बात किया करो, ठीक है? तो चलिए बताएंगे क्या लगता है आपको कि यहाँ पर क्या बताया गया है. पहली बात तो ये किस चीज की फॉर्म है? वर्ब की फॉर्म है, क्रिया की फॉर्म है. ये किस चीज को इंडिकेट करता है? टाइम को इंडिकेट करता है, समय को बताता है. सम टाइम क्या करता है? कई बार कॉन्टिन्यूएशन यानी कि कॉन्टिन्यू कोई काम हो रहा है, लगातार कॉन्टिन्यूशन को शो कर रहा होता है. और कई बार जो है कंप्लीटनेस को, कि कोई काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उस चीज को शो करता है. और उस एक्शन को इन द रिलेशन टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, जो टाइम के साथ बताता है उसके रिलेशन को. तो क्या होता है वो, कौन सा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको इस डेफिनेशन से पता चल रहा होगा. जो टाइम के बारे में बताता है, टाइम के बारे में, समय के बारे में कौन बताता है दोस्तों? बताएंगे फटाफट से. क्या समझ आया आप लोगों को इस डेफिनेशन से? स्पीड ज्यादा लगेगी, बोल देना है, मैं कम कर दूंगी. ओके. इट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड टू इंडिकेट टाइम, सम टाइम, द कंटिन्यूएशन और कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन इन द रिलेशन टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग. तो टेंस है ये. वेरी गुड. ठीक है, तो हम यहाँ पर कौन सी चीज पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं? टेंसेज हम पढ़ने जा रहे हैं. टेंस जो है हमारा आज का टॉपिक रहेगा. इसमें अब देखिए, आप सभी को पता है कि टेंसेज जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेज? ठीक है, सभी ने पढ़े हुए हैं. थ्री टाइप ऑफ टेंसेज होते हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि जो आपके पास टाइप्स ऑफ टेंसेज है, कि जो टाइप्स ऑफ टेंसेज है तो वो कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास? थ्री टाइप्स है. फर्स्ट आपके पास आ जाता है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड आपके पास है पास्ट टेंस, एंड जो लास्ट है उसे हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, थ्री टाइप ऑफ टेंस हो गए. अब हर एक टेंस को जो है वो क्या किया गया है, चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. ठीक है, चार कैटेगरीज का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखूंगी उसके आगे यही वाली चीज हो जाएगी. सबसे पहले जो है वो आ जाता है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस. इसी को और क्या कहते हैं, इसी को और क्या कहते हैं, अगर सिंपल वर्ड नहीं लगाना है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इसी को क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस बोलेंगे. क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इनडेफिनेट बोलेंगे. सेम यहाँ पर भी आ जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, पास्ट इनडेफिनेट बोलेंगे. और जो लास्ट है इसे क्या बोलेंगे, फ्यूचर इनडेफिनेट. अगर आपके पास सिंपल वर्ड लगा हुआ है तब वो भी वही है, अगर आपके पास इंडेफिनिट वर्ड लगा हुआ है उसका मतलब भी क्या हो गया, सामान्य वर्तमान काल के बारे में, सामान्य भूत काल के बारे में, सामान्य भविष्य काल के बारे में बताया जा रहा है, अगर मैं आपको हिंदी बताऊं इस चीज. ठीक है, दूसरी बात करते हैं, कॉन्टिन्यूएशन को भी बताना पड़ेगा, यानी कि दूसरा है आपके पास कॉन्टिन्यूस टेंस. इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, ये कॉन्टिन्यूस को शो कर रहा है, ये सिंपल को शो कर रहा है. तो शॉर्ट में लिखूंगी मैं, आप कंप्लीट लिख सकते हो. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा, और यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा. ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है. यहाँ पर पी आपका प्रेजेंट को शो कर रहा है, यहाँ मैंने पास्ट कंप्लीट लिख लिया है. ओके. थर्ड है हमारे पास परफेक्ट टेंस. परफेक्ट के लिए अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पीपीटी मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा मैंने, और यहां पर हो जाएगा आपका
परफेक्ट टेंस और यहाँ हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये कितनी हो गई, हर एक को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है, टोटल हमारे पास 12 बन जाती हैं। अभी तक हमने जो है सिर्फ 9 लिखी है, 9। ओके, जो लास्ट है वो आएगा आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ पर हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप देख पा रहे हो हमने जो इसकी 12 की 12 कैटेगरीज, यानी कि इन तीनों को जो है चार चार कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है। यहां तक सबको समझ में आ गया? बोलेंगे फटाफट से। यहां तक सबको पता चल गया कि नहीं? अगर आपको ये विजिबल नहीं है तो अब आप ऐसे देख सकते हो, तब आपको विजिबल हो जाएगा। ओके, हाँ जी। हमने क्या बात की कि हमारे पास जो टेंसेज है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये क्यों है, यहाँ पर मैं आपको वर्ब की फॉर्म भी बताऊंगी कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है। क्यों? क्योंकि इससे आगे हम बात करेंगे वॉइसेस की, उसके बाद हम बात करेंगे नरेशन की। तो टेंस के बाद आपकी ये तीनों टॉपिक्स जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर टॉपिक हर क्वेश्चन ये जो हम यहाँ पर जितने भी करेंगे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान देंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया जो आपका टेंस है इसको हमने फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया, 1, 2, 3, 4। अगेन पास्ट टेंस को हमने फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया, 1, 2, 3, 4। और आपका फ्यूचर टेंस है इसको भी हमने जो है फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया। ये और करके है, मतलब इसी को ये भी बोला जाता है, इसी को ये भी बोला जाता है, तो इसको भी हमने फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, एक सिंपल वाली कैटेगरी आती है, एक कॉन्टिन्यूअस वाली कैटेगरी आती है, एक परफेक्ट वाली कैटेगरी आती है, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी आती है। डिफरेंस क्या होता है इनमें? देखो, प्रेजेंट का मतलब होता है जो प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट में मैं आप लोगों को टेंस पढ़ा रही हूँ, ठीक है। पास्ट क्या होगा कि हमने पिछले कल क्या पढ़ा था, मतलब जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने मोडाल्स के बारे में पढ़ा था, तो वो क्या था, पास्ट टेंस था। ओके, उसके बाद अब मैंने कहा कि आपको कुछ दिनों बाद फ्यूचर में मैं पढ़ाऊंगी वॉइसेस, ठीक है, तो वो फ्यूचर टेंस को शो करेगा, है ना। तो सेंटेंस में हिंदी में समझ समझे अगर हम इसको, तो मैंने कहा हम क्या पढ़ रहे, हम टेंस पढ़ रहे हैं की बात की है, हमने मॉडल पढ़े थे की बात हो रही है पास्ट में, हम वॉइसेस पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, है ना, पढ़ूंगा पढ़ूंगी, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, फ्यूचर में, ठीक है, आगे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। कोई भी फॉर्मेट होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई भी सेंटेंस बनेगा, कोई भी चीज आपने लिखनी है, आपको ट्रांसलेट करनी है, तो उसके लिए एक फॉर्मेट होता है, एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास होती है वर्ब, और वर्ब के बाद होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट होती है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। कोई भी अगर आपने फॉर्मेट लिखना है, कोई भी चीज अगर आपने लिखनी है, तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट तो आपको पता है कि नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वही होते हैं ना आपके सब्जेक्ट। दूसरी बात करें तो यहाँ पर आपके पास हो गया बीच में वर्ब, है ना। तो वर्ब में आपके पास कौन सी फॉर्म किस में लगेगी, साथ में उसके हेल्पिंग वर्ब भी देखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से बात करते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट है, उसमें जो वर्ब की आपके पास फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपके पास एस या ई एस लगता है, ठीक है। आप यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे, फिर हम एक एक को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिस तरीके से वर्ब से, सॉरी टेंस से क्वेश्चन आता है। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यहाँ पर हमने वर्ब की फॉर्म देख ली, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और ही शी इट के साथ एस या ई एस का यूज होगा, ठीक है। दूसरी बात करें कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, HV मीन्स हेल्पिंग वर्ब है, तो वो क्या होते हैं, डू और डज जो है इसके हेल्पिंग वर्ब होंगे। आगे बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो कोई काम अभी जारी है, कॉन्टिन्यू है, तो उसके लिए वर्ब की फॉर्म आपके पास होगी दोस्तों V1 प्लस
ing, इसी को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मिलकर बनी हुई होती है, इसीलिए हम वर्ब की V1 प्लस ing बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें आपके पास मतलब जब हम नॉर्मल बातचीत के बारे में बात करें ना, तो वर्ब की तीन ही फॉर्म्स हम यूज करते हैं, लेकिन वर्ब की जो है वो फाइव फॉर्म्स होती हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास V5 है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, उसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास है राइट, तो राइट में आप क्या लगा देंगे, एस या ईएस लगा देंगे, तो वो बन गया राइट, यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। इसको हम सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब हो गया आपके पास V1 प्लस ING लगता है। तो राइट आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें मुझे ING लगाना है, तो बन जाएगा राइटिंग बन जाएगा। ठीक है, तो वो होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो है इज, एम और आर होते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, विजिबल हो रहा है कि अलग जैसे से लिखूं वो भी बता देंगे। ठीक है, चाहे मैं नीचे लिख दूंगी इनको, ठीक है, अगर आपको यहां पर टाइट लग रहा है ना तो मैं नीचे लिखती चलूंगी। तो सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो जो इज होगा, एम है और आर है, ये हो जाएंगे इसके हेल्पिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट मतलब कि कोई काम जो है वो हो चुका है, ठीक है, उसकी कंप्लीटनेस हो चुकी है, कंटिन्यू नहीं है अब वो। तो यहाँ पर वर्ब की जो फॉर्म का यूज होगा वो होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, और जो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे वो लगेंगे हैज और हैव, जो है वो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ठीक है, जो हैज है वो लगेंगे आपके सिंगुलर के साथ, और जो हैव है वो लगेगा आपका प्लूरल के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, सिंगुलर कौन से होते हैं आपके पास, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, और जो प्लूरल है आपके पास जैसे वी हो गया, आई भी इसी में आता है, आई वी हो गया, यू हो गया और दे हो गया, उनके साथ लगेगा आपके पास हैव लगेगा। ओके, समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है, बोलते चलेंगे, जहां पर डाउट है वहां पर भी पूछते चलेंगे। ठीक है, यहां तक बात होगी क्लियर। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखो यहाँ पर जो है वो दो चीजें इंक्लूड करते हैं हम। ठीक है, आपके पास प्रेजेंट तो सब में ही है, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। तो परफेक्ट के आपके पास क्या लगेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, यानी कि आपके हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, यहाँ पर हैज और हैव है ना आपके हेल्पिंग वर्ब। अब इन दोनों के साथ हम क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। अब कॉन्टिन्यूस का क्या काम है यहाँ पर, आप बोलोगे ना कि हमने परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों को इंक्लूड किया है, यहाँ पर हैज है, यहाँ पर हैव है, साथ में इनमें बीन लगा दिया, लेकिन कॉन्टिन्यूस तो लगेगी वर्ब की फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि बी1 प्लस आईएनजी का यूज करेंगे हम, किसमें, कॉन्टिन्यूस का। और क्या होता है यहाँ पर, क्या खासियत है इसकी, कि इसमें जो है वो फॉर और सिंस यूज होता है। क्या होता है, फॉर और सिंस यूज होता है आपके पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। जो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, सिंस और फॉर का यूज तो होगा ही, है ना। यहां तक सबको क्लियर हो गया, फटाफट से हैशटैग सेंड कर दो मुझे, ताकि मुझे ये लगे कि आप सभी को समझ में आ चुका है, फिर मैं आपसे बीच बीच में चीजें पूछ भी सकती हूँ। ठीक है, हमने अभी तक प्रेजेंट वाली साइड की, यानी कि उसमें हमने बात की कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस यूज होगा। सेकंड हमने बात की कि आपके पास जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैज और हैव का यूज किया, फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है वो आईएनजी यूज किया कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, सिंस और फॉर भी इसी में यूज होता है। अब बात आते हैं जी पास्ट इंडेफिनिट पे। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, या सिंपल पास्ट टेंस में, कोई दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो इसमें जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म का यूज होता है, जो वर्ब की फॉर्म है।
अगर आपके पास जो सेंटेंस है या फिर वो क्या होगा, अगर सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है या आपके पास इंटरोगेटिव है, तो आपके पास जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो जाएगा। यानी कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव में कौन सी चीज अप्लाई होगी, यहां पर ऐसा मत समझना कि मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको इंटरोगेटिव, आप कंप्लीट लिखो इसको, ठीक है, मैंने इंटरोगेटिव इंटर ही लिखा है। ओके, तो यहां पर वर्ब की अगर नॉर्मली मैं बात करूं तो मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि ड्रैंक मिल्क, उसने दूध पिया, ठीक है, ही ड्रैंक मिल्क, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, तो मैंने यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म लगाई। लेकिन अगर मुझे लिखना है, इसी को नेगेटिव में करना है मुझे, तो मैं क्या कहूंगी कि डिड, लग गया ना यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग गया, हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद आगे मैं लिख रही हूँ नॉट वर्ड का यूज कर रही हूँ, ही डिड नॉट। अब मैं ड्रिंक नहीं लिखूंगी, अब मैं क्या लिखूंगी, ड्रिंक लिखूंगी, ही डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, ठीक है। तो यहाँ के जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो जाता है, डिड हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब किसका, पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर ही डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, यानी कि डिड लग गया, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अगर इसी को मुझे इंटरोगेटिव में लिखना होता तो मैं क्या लिखती बताएंगे जरा, इसी को इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे सर, फटाफट से इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे इसी को, फटाफट से करेंगे, फटाफट से चेंज, क्या बनेगा इसका इंटरोगेटिव, शाबाश, फटाफट से करेंगे, डिड ही नॉट ड्रिंक मिल्क, है ना। अगेन आपने यहाँ पर डिड ही ड्रिंक लिखा ना, आपने डिड ही ड्रिंक मिल्क, ठीक है, अब नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इंटरोगेटिव में चेंज कर रहे हैं। तो डिड ही ड्रिंक, मैंने सिर्फ वर्ब की फॉर्म देखनी थी कि आप कौन सी फॉर्म का यूज करोगे, तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, यानी कि बिल्कुल सही से समझ आ गया आप। ओके, आगे बढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो जैसे कॉन्टिन्यूस में यहाँ पर जो है वर्ब की फॉर्म का यूज हुआ, यानी कि बी वन प्लस आई एन जी, यहाँ पर भी वही होगा। लेकिन साथ में हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहाँ पर पास्ट में बात हो रही है, तो आ जाएगा आपके पास वॉज और वर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वॉज और वर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपके पास वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, जो प्रेजेंट परफेक्ट में लगी है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब पास्ट में सिर्फ एक ही होता है, यानी कि हैड, ठीक है, यही आपका सिंगुलर के साथ, यही आपका प्लूरल के साथ यूज होता है जब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हो, ठीक है। लास्ट है आपके पास पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कौन सी, कॉन्टिन्यूस वाली। परफेक्ट का क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यानी कि हैड बीन हो जाएगा, और इसी के साथ जो है वो फॉर और सिंस का यूज भी होगा। एक फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट हम देखेंगे जब हम एक एक को डिटेल से देखेंगे, अभी हम वर्ब की फॉर्म को देख रहे हैं और साथ में हेल्पिंग वर्ब को देख रहे हैं। ओके, अब आ जाते हैं जी फ्यूचर टेंस पे। तो फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म होती है, आपने पढ़ी है ना इतने टाइम से, आप अच्छे से आंसर दे रहे हो सभी, तो बताओ जरा फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब की फॉर्म का यूज होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे हम, शाबाश, फटाफट से बताएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे। सेम ही चीज है जैसे हमने पहले बात की है, बस इन वालों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की आपके पास फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म यूज हो गई हमारे पास, अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की तो फ्यूचर में हम यूज करते हैं शेल का और विल का। शेल किसके साथ यूज होगा आपके पास, आई और वी के साथ, और विल जो है ही शी इट और दे, उन सबके साथ विल का यूज होगा, ठीक है। उसके अलावा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, आपको पता है ये कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। लेकिन बात करें हेल्पिंग वर्ब की तो हेल्पिंग वर्ब आपके पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कोई बता सकता है, जैसे आपका शेल है और विल है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे दोस्तों, बी लगा देंगे, शेल बी हो जाएगा और विल बी हो जाएंगे इसके हेल्पिंग वर्ब,
है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगे? इसमें जो है वो क्या हो जाता है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक है, क्या हो जाएगा, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। यहां पर आप देखोगे हैज नहीं आएगा, सिर्फ हैव के अकॉर्डिंग ही लगेगा। विल और शैल में दोनों में जो है वो हैव लगेगा, फिर वो इसके हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं। ठीक है, सॉरी, विल हैव और शैल हैव, बीन नहीं लगेगा, विल हैव और शैल हैव होगी। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो अगेन बी वन प्लस आईएनजी, और बात करें इसके हेल्पिंग वर्ब की तो जो मैंने ऊपर गलती से लिख दिए थे ना वो आ जाएंगे, विल हैव बीन, और सेकेंड हो जाएंगे आपके पास शैल हैव बीन। ठीक है, और सिंस और फॉर तो मैंने आपको बताया ही है, ये हम फॉर्मेट में भी डिस्कस करेंगे जब हम एक एक का फॉर्मेट देखें। बोलिए फटाफट से, सबको समझ में आ गया, सबको पता चल गया कि नहीं? अगर इस साइड का अब आपको विजिबल नहीं है तो मैं थोड़ा सा जो है स्क्रीन को रोटेट करती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, पता चल गया कि नहीं? जो आपके सामने सारी चीजें हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो वो बोल सकते हैं। अच्छा चलिए, आपने प्रोवर्ब सुनी होगी, जैसे 3 and 3 - 4, आप सुनते हैं ना, 3 and 3 - 4। आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, 3 and 3 - 6, सॉरी 4 नहीं 6। अभी ये जेबीटी के टेस्ट में जो एंट्रांस हुआ था ना, अभी एंट्रांस नहीं सॉरी, जो 15 अक्टूबर को जो है एक मतलब इनका टैट हुआ था उसमें भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, 3 and 3 - 6। ठीक है, 2 and 2 - 4 वो वाला है, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो वर्ब दी गई है मेक, आपको चेंज करना है, क्या लगाएंगे यहाँ पर, क्या बनेगा यहाँ पर, आप बता सकते हैं इसका आंसर? 3 and 3 - 6 क्या होगा इसका आंसर? मेक्स होगा, है ना। क्यों होगा मेक्स यहाँ पर? कि आपकी प्रोवर्ब्स है, जैसे 2 and 2 - 4, है ना, 3 and 3 - 6। ठीक है, तो यहाँ पर ES लगेगा आपके पास, मेक्स बनेगा। तो ये चीजें हम देखेंगे कि कहाँ पर आपके पास किस तरीके से होगा। ये वर्ब से भी रिलेटेड आती है और टेंस से भी रिलेटेड आती है। जैसे एक और था, जैसे आपका जो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ है ना, द अर्थ डैश अराउंड द सन, और ऑप्शन में ब्रैकेट में आपके पास है रिवॉल्व, आपको अब चेंज करना है, कैसे होगा रिवॉल्व्स? क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिटेल से देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज आएगी आपके पास। लेकिन ये चार्ट सबसे पहले आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, अगर चार्ट क्लियर है तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके जी, फिर मैं इसे क्लीन करूं, बोलिए फटाफट से। अगर सबको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो वो डाउट जब तक मैं इसको क्लियर करती हूँ आप अपने अपने डाउट्स जो है अपने जो है वो सोच के रखिए कि आपको कहाँ पर कोई अगर डाउट है तो वो क्लियर कैसे करना है, मतलब कौन सी चीज पूछने की है। ओके, है अगर तब तक तो बस बता देंगे। सबसे पहले अब हम बात करेंगे जो हमारा प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब भी मैं आपसे पूछती चलूंगी। अब मैंने आपको पूरा चार्ट बता दिया है, पूरा चार्ट हमने ड्रॉ करके देख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले होगा हमारे पास, बिल्कुल शॉर्ट में जितनी जरूरत है ना उतनी उतनी चीजें करेंगे हम यहाँ पर, डिटेल की डिटेल और शॉर्ट का शॉर्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपके पास सबसे पहले, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, एक स्ट्रक्चर बताया था। तो कोई बता सकता है मुझे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर का बोलने का मतलब हुआ कि जैसे आपको जो है वो मतलब कोई लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको कोई एक सेंटेंस लिखना है तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर तो आपके पास होना चाहिए ना, कि आपको इस फॉर्म में जो है ये पूरा लिखना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, कैसा होगा? मैंने 3 वर्ड्स का एक स्ट्रक्चर बताया था आपको, ममता कह रही है सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ममता, अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हम कि नहीं कर सकते हैं, बताइए जरा, क्या हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? अगर ये फॉर्मेट हम लिख रहे हैं ना, सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, कर सकते हैं, तो कैसे ये चेंज होगा? कोई बताएगा कि कैसे ये चेंज होगा? एस और ईएस लगेगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही काम होता है। तो कोई भी फॉर्म
फॉर्मेट है सबसे पहले वो क्या बनेगा आपके पास, इस तरीके से बनता है। अब हम इसमें जो है हमें पता है वर्ब मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं हम। बहुत से लोगों को ना बड़ा भारी कंफ्यूजन होता है इसमें कि वो क्या कर देते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की मतलब कौन सी फॉर्म लगेगी, तो वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, साथ में हेल्पिंग वर्ब में कंफ्यूज होंगे, फिर उसके बाद कि वो ही के साथ कौन सा लगेगा, शी आई के साथ कौन लगेगा, है ना, पर्सन के साथ कौन सा लगेगा, तो वो सारी चीजें हमने देखनी है। तो हमने कहा सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बीच में अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस बी वन, बी वन के साथ आपके पास क्या लगेगा, एस या ई एस लगेगा, ठीक है, एस या ई एस लगेगा। यही चीज थी ना, मैंने यहाँ पर स्पेस छोड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कुछ आएगा, लेकिन मैंने इसको खुला करके लिखा कि कई बार हम शुरू में कुछ जोड़ेंगे, कई बार हम लास्ट में कुछ जोड़ेंगे। आई बात समझ में? तो आप देख पा रहे हो कि आपके पास जो एक फॉर्मेट में हम देख रहे हैं चीजें, यानी कि क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, साथ में इसमें जो है वो एस या ई एस भी लग सकता है। अब देखिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, तो इसमें आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी अप्लाई हो सकती है और इसी में आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी अप्लाई हो सकती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हमने ये कहा, ई एस और एस लगने से क्या बन जाएगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। कोई एक एक एग्जांपल बताओ जिसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो है वो अप्लाई हुई हो, याद कर रहे हो, बताओ कोई एग्जांपल बताओ जिसमें आप वर्ब की जो है वो फिफ्थ फॉर्म का यूज कर रहे हो, बताओ फटाफट से, शाबाश, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का जिसमें यूज कर रहे हो। ही गोज कह रहे हैं, सब्जेक्ट नहीं बताना है, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लिख रहे हैं तब भी ठीक है, मतलब कोई सिंग्स कह रहा है, कोई गोज कह रहा है ना, आपने कहा सिंग्स, आपने कहा गोज। आप देख रहे हो अगर मैं यहाँ पर लिखती ओनली सिंग, यहाँ पर लिखती गो, तो ये कौन सी फॉर्म थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इसमें एस लगा, इसमें ईएस लगा, तो ये कौन सी है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। तो ये आपके पास दोनों, अगर मैं लिखती ऐसे आपके पास, अगर आपको ये नहीं लिखना होता ना, मैंने ऐसे ये ब्रैकेट में लिखा, तो आप बी वन और बी फाइव ये बन सकता है आपके पास, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस बी फाइव, मतलब बी वन और बी फाइव और ऑब्जेक्ट, इसका मतलब हुआ कि एस और ई एस लगा दे रहे हैं आप इसमें, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट भी सही है। और जो हमने बात की बी वन, इसमें एस या ई एस लगा के और आगे आपके पास ऑब्जेक्ट, तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बी फाइव जो है वो कैसे बन रही है अभी आपको पता चल गया, लग गया पता कि नहीं पता लगा, बोलेंगे पता चला कि नहीं पता चला, ठीक है। अब देखो जो ही शी इट है आपके पास, ठीक है, ही शी इट के साथ आपके पास क्या लगेगा, एस या ई एस लगेगा, ठीक है। अगर आपके पास दिया गया है ही शी और इट, इसके साथ क्या लगेगा आपके पास, अगर आपके पास बात हो रही है एस या ई एस की, ठीक है, ही शी इट के साथ क्या लगेगा, एस या ई एस लगेगा, ठीक है। उसके अलावा जो आपके पास बच गए, यानी कि अगर आपके पास आई है, यू है, वी है, दे है, इनको बोलेंगे प्लूरल, तो इसके साथ आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो। बोलने का मतलब क्या है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, इसको हम प्लूरल बोलते हैं, ये प्लूरल वर्ब होती है, प्लूरल को शो करती है ये, लेकिन जब हम ऐसे ही एस लगा देते हैं तो ये सिंगुलर को शो करती है, सिंगुलर वर्ब कहलाती है ये, ठीक है। तो जैसे आपने कहा ही गोज टू स्कूल, ठीक है, ही गोज टू स्कूल, आई गो टू मार्केट, है ना, आई गो टू स्कूल या आई, अब यहाँ पर आई और ही दोनों का डिफरेंस देख रहे हो, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा, या आप बोल सकती हो कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलिए फटाफट से, क्लियर हुआ कि नहीं आप सभी को, फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा कि सेकंड फॉर्म का होगा, कैसे पता चला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है पता चला, बोलिए फटाफट से, पता चला कि नहीं पता चला। ओके, तो मैम आप लोगों के सामने जो है एक एग्जाम्पल लिखूंगी, आपने बताना है कि सही है कि गलत है, ठीक है। आपके सामने है राम ईट फूड, सही है कि गलत है,
बोले राम ईट फूड सही है कि गलत है? पंकज कह रहे हैं यस मैम सही है। रॉन्ग है ये, बिल्कुल रॉन्ग है, रॉन्ग है, बिल्कुल सही शुभम। अब देखो राम है वो सिंगुलर है, मैंने आपको ऊपर ये नहीं बताया कि किसी नाम के साथ। अब आपको पता तो होगा ना, जैसे एक अकेले इंसान का नाम है तो वो सिंगुलर है, तो यहां पर हो जाएगा ईट्स फूड। क्या हो जाएगा? राम ईट्स फूड। अगर मैं कहती राम एंड श्याम ईट्स फूड तो वो गलत हो जाता, क्यों? क्योंकि वो प्लूरल बन गए थे राम एंड श्याम, तो वहां पर हमारे पास होता राम एंड श्याम ईट फूड। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां तक आपने थोड़ा सा जो है यहाँ पर फॉर्मेट देख लिया इस चीज का। बाकी जो है अब हम करेंगे अच्छे से डिटेल से जो है वो कल करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मेट सा बता दूं कि अगर आपके पास यहाँ पर जैसे ये बना, आपके पास जो ये वाला फॉर्मेट है ये बना आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के लिए, तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट के बाद अगर आपके पास है जैसे ये एग्जाम्पल ले लो, इसी को आपको नेगेटिव में चेंज करना है, तो क्या बनेगा आपके पास फॉर्मेट? सब्जेक्ट के बाद क्या बनेगा? डू और डज भी अप्लाई होगा, है ना? तो डू और डज अप्लाई होगा तो वो भी कैसे अप्लाई किया जाएगा? डू और डज कैसे अप्लाई होगा? तो वो भी तो आपको करना है ना। ही शी इट के साथ आप यूज करेंगे डज का, और आई वी यू दे के साथ यूज करेंगे आप डू का। लिखना है तो लिख देती हूँ, इसके साथ आप डू का यूज करते हैं और इसके साथ आप डज का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपके पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, साथ में नॉट भी है पर, है ना, क्योंकि हम नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर बीच में नॉट आ जाएगा। इंटरोगेटिव में बात करें तो डू और डज पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? बोलिए फटाफट से, हैशटैग सेंड करेंगे सभी अगर सबको समझ में आ गई है बात। जितनी हमने चीजें क्या करनी थी वो हमने कर ली, अगर सबको समझ में आ गई है फटाफट से हैशटैग सेंड करेंगे। ओके, और कैसे लगी आपको आज की क्लास वो भी बताएंगे। आज हमने 10th की स्टार्टिंग की है ना, तो कैसी रही आज की क्लास? सबको अच्छे से पता चल रहा है? ठीक है, अब हम बिल्कुल अच्छे से स्टार्टिंग से स्टार्ट करके, मतलब एक एक का फॉर्मेट और जो इसमें इंपॉर्टेंट है, ये तो बेसिक बेसिक चीजें थी जो हमने आज के क्लास में की। ओके, चलिए तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, मीन्स की कल। ठीक है, थैंक यू।